डॉन और अब हो चुकी है नवी मुंबई के राजनीति में बाप की एंट्री। तारीख 24 सितंबर 2023। पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक ने मोरबे धरण में किया जल पूजन। 26 सितंबर 2023 नवी मुंबई कांग्रेस का विरोध। पूर्व उपमहापौर रमाकांत मात्रे का शाब्दिक वार, किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं मोरबे धरण। मोरबे धरण हे नवी मुंबई जनते है, कोणी समजत असेल की माझ्या बापाची प्रॉपर्टी आहे, ही बापाची कोणाची प्रॉपर्टी नाही। 1 अक्टूबर 2023 अब हुई रियल बाप की एंट्री। गणेश नाइक का जोरदार हमला, कहा संजीव नाइक के बाप ने हिम्मत की तभी मिला मोरबे धरण। काही वक्ती काही लोकांनी बोलले की हे काय संजीव नाइकच्या बापाची प्रॉपर्टी आहे, अरे संजीव नाइकच्या बापाने ठरवलं असतं हे मोरबे धरण होऊ शकलं नसतं। पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक और नवी मुंबई के पूर्व महापौरों ने मोरबे धरण का जल पूजन क्या किया कि नवी मुंबई की राजनीति में मानो भूचाल आ गया। इसी जल पूजन को लेकर कांग्रेस ने जोरदार आपत्ति उठाते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर के दालन के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए जल पूजन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। उस समय पूर्व उपमहापौर रमाकांत मात्रे ने कहा कि मोरबे धरण किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं। माजी महापौर संजू नाईकांनी त्यांच्या बरोबर भाजपचे काही सहकारी यांनी जाऊन बेकायदेशीररित्या मोरबे धरणामध्ये जलपूजन केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये निर्माल्य टाकलेलं आहे बेकायदेशीर, तर अशांवर गुन्हे दाखल करा म्हणून आम्ही प्रमुख मागणी केलेली आहे। कारण मोरबे धरण हे नवी मुंबईच्या जनतेचं आहे, कोणी समजत असेल की माझ्या बापाची प्रॉपर्टी आहे, ही बापाची कोणाची प्रॉपर्टी नाही, ही नवी मुंबईच्या जनतेची आहे आणि ह्या नवी मुंबईच्या जनतेने ही विकत घेतलेलं आहे, कोणी एका खाजगी मालकाने विकत घेतलेलं आहे। म्हणून रमाकांत मात्रे के बाप के बयान से बौखलाए गणेश नाइक ने नवी मुंबई महानगर पालिका के ही मंच से भरी सभा में रमाकांत मात्रे को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि संजीव नाइक का बाप गणेश नाइक नहीं होता तो मोरबे धरण की नवी मुंबई महानगर पालिका मालिक न होती। जाऊन त्या लोकांनी आपला आनंद व्यक्त पूजन केलं, जे काही लोकांना नाही पटलं, काही वाक्य काही लोकांनी बोलले की हे काय संजू नाईकच्या बापाची प्रॉपर्टी आहे, अरे संजू नाईकच्या बापाने ठरवलं नसतं हे मोरबे धरण होऊ शकलं नसतं। आणि तो को बोलला ना त्याला उपमहापौर बनवलं, त्याचा बाप माझ्या येऊन पाया पडला त्याला उपमहापौर बनवलं होतं। बोलाची वेळ येते, म्हणजे आम्हाला बोलता येत नाही असं कोणी समजायची गरज नाही, बोलू शकतो प्रत्येकाने आपल्या मार मर्यादेने राहिलेलं बरं असतं। गणेश नाइक ने सही समय पर चौकर मारते हुए रमाकांत मात्रे को ये भी याद दिलाया कि किसके आशीर्वाद से वह एक जमाने में उप महापौर बने। आपको सबको मालूम है ये मोरबे धरण कोई नहीं ले रहा था, हराराबा पाटिल के कालखंड में ये एक धरण, जैसे कि जैसे एक नाटक है मराठी में, उसमें वो नायक बोल रहा है कि घर देता का घर नट सम्राट में, तो उसी ढंग का धरण घेता का धरण ये स्थिति हुई थी। किसने ने लिया उस टाइम में संजू नाइक 2000 में मेयर बनने के बाद में, ये हिम्मत नई मुंबई महापालिका की इनकम साइड 2 फिगर में थी, करोड़ में, 100 करोड़ भी नहीं हुआ था उस टाइम में, 500 करोड़ का ये धरण लेने की हिम्मत संजू नाइक ने की और संजू नाइक का बाप गणेश नाइक उसके साथ में था, उस टाइम में मैं पालक मंत्री था। रहा सवाल बोलने वालों को ये नहीं मालूम उनके बाप गणेश नाइक के सामने सर झुका के मदद करो बोला था और उसको सम्मान करते हुए एक पैसे वो अभी अलग पार्टी का उसको उप महापौर बनाया था, तो कम से कम शर्म लगनी चाहिए। और किसने बोला होता तो मुझे दुख नहीं लगता था, लेकिन तुम्हारे पिताजी का सम्मान रखते हुए हम लोगों ने तुम्हें उप महापौर बनाया, उसका पांग फेड़ रहे हो क्या? पांग मीन्स उसका परतावा दे रहे हो हमें।
अपने सख्त रुख से गणेश नाइक ने फिर दिखा दिया कि नवी मुंबई की राजनीति का बाप सिर्फ एक है और वो है गणेश नाइक। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मिनट वर्क।